अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप राबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफम अफक कफे से हफे, खाएं आप भी? आप फाल से खा रही हैं? कुछ नहीं समझ, ये फेंकी बोली है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फेंकी बोली है यार। गर्मी इतनी है तो थोड़ा फालसे, मैंने कहा खाते हुए आप तो जवाब तो दे दें पहले। मैंने बोला क्या है, तुक्का मारे क्या बोला मैंने? आपने बोला आप फालसे खा रही? नहीं, मैंने पूछा आप कैसी हैं। अच्छा भाई, तो ये फेंकी बोली ना, मैं अपने मुताबिक चेंज करती रहती हूँ। मैं ना कभी शुरू में लगा लेती हूँ, कभी बाद में लगा लेती हूँ। अच्छा फालसे, यू लाइक फालसे? हाँ फालसे बड़े अच्छे होते हैं। आप कैसी हैं राबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, है ना? एंड यू लुकिंग सो लवली। थैंक यू। ये स्पेशल गिफ्ट था मुझे पता चला है। हाँ, ये कल मेरा भाई गया था और वो मेरे लिए बहुत सारे जोड़े अपने पसंद के लेके आया था। वो करते रहते हैं या पहली बार? नहीं, ऐसा वो किया? उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कपड़े पहनने अपनी प्रमोशंस के। So तो कुछ नायला की स्टाइलिंग थी। हाँ। और कुछ अब वो बैत ने मुझे दो तीन हाँ। जोड़े मुझे दिए। तो प्यार प्यार से वो आपकी लगा गए? हाँ प्यार प्यार से उसने मुझे, ये करते रहते हैं मेरी टीम के लोग। मैं माशाल्लाह नायला बख्शती नहीं है मुझे बिल्कुल, प्यार प्यार से मुझे वो हर चीज़ करा देती है। भाई ने किया तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। नायला का तो ये काम है, तो नायला से कमिंग फ्रॉम नायला आई थिंक इट विल बी ओके। अब भाई ने आके बोला था लाइक गरारे दुपट्टे झुमके झुमके, बट आई लाइक हिज चॉइस माशाल्लाह से, बहुत अच्छा। बट कितने आपने मुझे ये बात बताई तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहानी भी फैमिली के बारे में, तो ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि जो कहानी है आपकी वो एक फैमिली की सर्वाइवल के बारे में, और आपने जो मुझे बात की वो भी फैमिली रिलेटेड ही थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया कि फैमिली इज ऑलवेज देयर फॉर यू ना। हाँ, स्पेशली योर्स माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह से। और फिर आपको खुद भी उतना ही पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और ये आप जान के नहीं करते, ये नेचुरली आपकी पार्टिसिपेशन होती है। मुझे लगता है भाइयों का बहनों का जो कनेक्शन होता है या अम्मी अबू का कनेक्शन होता है उसमें कोई वो एफर्टलेस होता है। आपका दिल चाहता है ये क्या? हाँ, आपका दिल चाहता है और आप शायद वो ऑटो पे होते हैं। दिल ना भी चाह रहा हो तो आप कर रहे होते हैं। ट्रू। हाँ। अच्छा फालसे ऐसी खाती हैं किसी, कोई सीक्रेट रेसिपी भी है मसाले की इसके साथ? नहीं नहीं, फालसे मैं खाती हूँ काले नमक के साथ जो कि अभी इसमें है नहीं, लेकिन ये बहुत मजे के फालसे हैं। आज आप हमें कुछ सुना रही हैं? क्या सुनाऊँ? आई डोंट नो, व्हाट यू फील लाइक सिंगिंग राइट नाउ। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर So nice, perfect choose किया भैया आपने। ये गाना है ना इसका, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन। ये इन्होंने इस गाने को लिया है, ले लिया है। हाँ। okay, but ये रिलीज हो गया है क्या? ये रिलीज नहीं, बस ये तो रिलीज्ड है ये गाना तो। नहीं आई मीन विद रेफरेंस टू द फिल्म। हाँ नहीं, हाँ वही मैंने कहा, मैं अपनी रिसर्च करके आई थी, मुझे कॉन्शियस कर दिया आपने। ये जब भी ये प्रोमो और टीजर्स चल रहे हैं तो ये गाना चल रहा है। अच्छा फिर मेरी गलती, माय अपॉलॉजी। नहीं कोई बात। अच्छा मुझे बताइए कहानी आई क्यों? हाँ बोला, व्हाट वाज इन द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज इन द रोल दैट यू वांटेड टू से यस? अच्छा रोल तो बात की बात है, पहले तो नबील, फर्स्ट ऑफ ऑल नबील की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, फीचर फिल्म थी। मैंने कहा हम, मैं और मानी थे एटलांटा में, और नहीं हम ऑस्टिन में थे, तो हमारा शो था इंडस का, तो उसके बाद सॉरी बल्कि हम न्यूयॉर्क में थे। इट्स ओके, कितनी ओवर में लग रही हूँ ना, सारे शहरों के नाम ले लिए मैंने यूएसए के, बस मैं यहाँ भी गई हूँ। हमें ये समझ आ गई कि आप पाकिस्तान में नहीं थी। नहीं, पाकिस्तान से बाहर बाहर थी मैं। हाँ। और लास्ट ईयर की बात है, तो मैं और मानी हम ऐसी ना पता नहीं क्या रूम में थे बैठे हुए, तो किसी नबील के किसी का फ़ोन आया, आई थिंक अली का था, किसका था, कि नबील कास्ट करना चाह रहा है ना आपको और मानी को। तो मैं वॉशरूम से निकल रही थी, मैंने कहा क्या कह रहे हो, नबील कास्ट करना चाह रहा है क्या, वाकई क्या करें, करें कि नहीं, क्या सीन है? मैंने कहा हाँ करो, क्यों नहीं करना है मानी, मुझे तो करना है क्या। मैं ऐसे उछल के बेड पे बैठ गई थी, मैंने कहा क्या है मानी बताओ क्या है। तो उसने बताया कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं बेटा। उधर से व्हाट डिड यू थिंक? और इस तरह का रेफरेंस है और तुम ये बन रही हो? मैंने कहा तीन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जो बड़ी बहन है। तीन बच्चे थे ये, तो उसको फिर मेरी बहन बनाया क्योंकि मैं बैकआउट कर गई थी। ओके मैंने कहा मैं नहीं कर रही तीन बच्चे, मैं क्यों इतनी बड़ी बेटी को वो बनाऊं अपनी बेटी ना। बट ये थोड़ा अचानक से मुझे हुआ था, बट ये नॉनसेंस बात होती है। आई थिंक जो कैरेक्टर मैंने किया वो मेरा टैलेंट है और वो आपका टैलेंट नजर आना चाहिए। तो खैर उसको मेरी बहन बनाया, फिर ये जो दो बच्चे थे ये मेरे बच्चे थे और ये मेरे बच्चे हैं।
तो मुझे वो बल्कि सीमिया अपा ने कहा हाँ तो तुम्हारा बेटा मुजम्मिल भी खुशी की जितना है ना. मैंने कहा हाँ लेकिन खुशी को मेरी बहन बना दे. तो इस तरह का कुछ हुआ था. बट जब वो मेरी उन्होंने मुझे गेटअप दिया और जो मानी का गेटअप था और फिर जिस तरह का शूट का एनवायरनमेंट था, इस कदर जो है वो ट्रेन स्टेशन पे हम असली का वो ट्रेन स्टेशन है. okay. वो कोई सेट नहीं लगा हुआ और सब कुछ रियल था. वो गंद, वो बला, वो हर चीज़, एवरीथिंग. वो उस वो जो पुराना सा एक खंडर सी इमारत है, खंडर सी इमारत थी. वो किधर शूट किया आप लोगों ने? ये मुझे एरिया नहीं एग्जैक्ट पता, बट ये इमारत कोई 40 साल से बंद थी. ओह माय गॉडनेस, आप लोगों ने जाके हमने खोली है वो. और नबील ने कहा ये साफ नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी. और हम सबको वहाँ पे डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी और सारी एलर्जीज हमें हो चुकी थी. और घर आकर एक एक घंटा हम नहाते थे क्योंकि वो पेंट नहीं उतर रहा होता था बॉडी से. और वो बड़ा कोई झामा नहीं होता, फिर उससे मानी के पाँव भी मले क्योंकि वो जो कैरेक्टर था. तो मैंने कहा देखची तो साफ हो ही होती थी, अब पाँव लाओ अपने. क्योंकि वो इस कदर पेंट वो उन्होंने लगाया था. हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं फयाज, तो फयाज भाई ने जो गेटअप दिया वो बड़ा कमाल था. पहले मैं सुबह जाके बैठी वैनिटी में, मैंने कहा यार क्या सीन है ये वो ना. तो जब मैं पूरी तैयार हो गई तो मुझे मैं रोना शुरू हो गई. क्यों? मैं रोने लगी. मैंने कहा ये मुझे ऐसी फिल्म नहीं करनी थी. मैं खूबसूरत नहीं लग रही. ये क्या किया मेरे साथ? फिर मानी ने मुझे सचमुच रो रही थी. हाँ मैं सचमुच रो रही थी. और मैंने कहा ये क्या है? तो मानी ने कहा हीरा तुम्हारा टैलेंट दिखेगा यार, ये वाले कैरेक्टर्स नहीं करती लड़कियाँ. बट अभी मैंने देखा सोनिया हुसैन दादल में उन्होंने इस तरह का गेटअप किया हुआ था. और तो चैलेंजिंग था ये मेरे लिए. मानी ने कहा अभी तुम अभी सिर्फ सोचो कि अभी तुमने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है. सो चैलेंजिंग इस सेंस में था कि आप अपने आप को जो देख रही थी वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा था अपने आप को ऐसे देखना, या इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी आपके लिए चैलेंज थे? चैलेंजिंग परफॉर्मेंस चैलेंजिंग नहीं थी. जब मैंने पहला सीन किया, दूसरा सीन किया तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया कि यार ये तो मज़े का कैरेक्टर है. सेट पर मानी भी नज़र आ रहा है और जब भी मैं मानी को आवाज़ लगाऊँ तो साथ ही है, कोई और एक्टर नहीं है. तो एक एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती रही. और गुले राना गुलापा अमेजिंग. और जो हमारा ट्रेन का सीक्वेंस है वो इतना फनी था. वो आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा बट जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे गुले राना ने कमाल कर दिया इसमें. ओके मैं बताऊं, मानी और गुलापा ये दो लोग जो है ना ये साथ थे. सोचे सेट पे हम हंस हंस के गिर जाते थे. ओके बहुत मज़ा आता था. हाँ तो ट्रेन पे शूट करना क्यों मुश्किल था, क्या चैलेंज था? ट्रेन का डब्बा था. हाँ. और वो ट्रेन का डब्बा था कि पता नहीं कौन 1960 की वो ट्रेन थी. मतलब कहीं से पुरानी ढूंढी कराची की ट्रेन है. नहीं नहीं वो प्रॉपर चलने वाली ट्रेन थी. अच्छा, वो अभी जिसमें सारे लोग जाते हैं. हाँ हमारी आवाम, हमारी मासेस जिसमें जाती है. उस तरह की ट्रेन था जिसका फ्लश खराब था, जिसमें एक स्मेल थी जो साफ नहीं थी.